सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। एंड भाई, आज की इस वाली एपिसोड में हम करने वाले हैं बहुत क्रेजी चीज़, तुम बस आगे देखते रहना। एंड भाई, मैंने कुछ इस वर्ल्ड में चेंजिंग कराया, जैसे कि भाई मैंने थोड़ा सा वर्जन चेंज किया ऑप्टिफाइन वाले, पता नहीं कुछ दिक्कत आ रहा था उसमें भाई, मतलब ये ही नहीं हो पा रहा था। एक मिनट, मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ भाई। उस ऑप्टिफाइन वाले वर्जन में आई डोंट नो, वहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, मेरा शेडर्स ऑन ही नहीं हो पा रहा था। तो भाई एक बारी तो मैं सबसे पहले तुम लोग को ये शेडर्स ऑन करके दिखाता हूँ कि आखिर ये सिर्फ फॉर्म कैसा लग रहा है। एंड ये भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, पिछले वाले एपिसोड में हमने ये बनाया था, अगर तुमने वो नहीं देखा तो भाई तुम वो भी देख सकते हो। एक बारी के लिए मैं शेडर्स जल्दी से ऑन कर लेता हूँ, अपना शेडर्स वाला ऑन करेंगे भाई। ओके, शेडर्स वाला अप्लाई करते हैं एंड डन कर देते हैं। ओके, एंड भाई 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 क्या ही लग रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा एकदम मस्त लग रहा है भाई दिखने में अपना सिप वाला फार्म। एंड भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये देख सकते हो इसमें भी बहुत सारे भाई दो दो स्टैक सारे में भर गए हैं। एंड ये सिंगल सिंगल सिप डाला था मैं भी, फिर भी इतना जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो भाई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखते हैं अब आगे क्या करने वाले हैं। सो भाई आज की इस वाले एपिसोड में ना, बेसिकली अभी ये तुम लोग को मैं बताया था कि सरप्राइज है भाई, तो ये उस पर काम चल रहा है। ये जब मेरे 100 सब्स हो जाएंगे तो मैं ये भी रिवील कर दूंगा ये आखिरकार बन क्या रहा है भाई, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ये तुम देख सकते हो इतना ही बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है। एंड ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है, तुम अगर गेस करना चाहो तो भाई गेस कर लो, गेस करके मेरे को कमेंट में बता देना मैं बना क्या रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं 100 सब्स हो जाने पर खुद ही रिवील कर दूंगा आखिरकार ये है क्या। तो भाई आज हम जाने वाले हैं डायमंड माइन करने। वैसे मैं सबसे पहले थोड़ा सा शेडर स्वैप कर लेता हूँ, क्योंकि ये फिर वर्क नहीं करेगा, थोड़ा सा गेम लैग करेगा, तो मैं जल्दी से एक बार शेडर स्वैप कर लेता हूँ। सो ओके भाई, मैंने शेडर ऑफ कर लिया है। एंड भाई शेडर ऑफ करने के बाद हमारा वर्ल्ड पता नहीं कैसा ही लगने लगता है, बट ठीक है यार, ये भी अच्छा लग रहा है, थोड़े दिन सह लेंगे, इसके बाद भाई फिर देखेंगे शेडर्स में भी हम खेलेंगे, बट अभी के लिए सही है। तो अभी मैं सबसे पहले ना, मैं डायमंड माइनिंग करने वाला हूँ आज, एंड उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ जमा कर ली है, जैसे कि मैंने बहुत सारे पिकैक्स ले लिया हूँ, स्वर्ड ले लिया भाई, बो रख लिया है, क्या पता बीच में ही कितने सारे क्रीपर वगैरह आ जाते हैं। तो आज बेसिकली हम जा रहे हैं माइनिंग करने। एंड भाई माइनिंग करने के लिए मैं जाने वाला हूँ आज, डायमंड्स माइनिंग करना है। बट भाई, अगर पिछले वाले एपिसोड में जैसे मैंने अगर डायमंड्स माइनिंग करी तो भाई मेरे को बस 8 डायमंड्स मिले, एंड उसके बाद मैंने कुछ ऑफलाइन भी माइनिंग करी तो भाई मेरे को 10 या 15 डायमंड्स मिले। बट यार आज इतना से काम नहीं चलने वाला है, आज मेरे पे ये सारा डायमंड्स का पूरा आर्मर वार्मर सब पहन के जाने वाला हूँ मैं। एंड भाई ये तुमको एक बारी दिखा दो, पिकैक्स पे हमारे फॉर्च्यून 3 लगा हुआ है विथ एफिशिएंसी 5। भाई समझ सकते हो फॉर्च्यून 3 अगर रहा भाई तो नॉर्मल वाले से, अगर तुम नॉर्मल वाले पिकैक्स तोड़ो भाई एक डायमंड ब्लॉक्स तो भाई एक ही डायमंड्स मिलेंगे, बट अगर फॉर्च्यून 3 से तोड़ो भाई तो तुम्हें कितने भी मिल सकते हैं, 2, 4 या 1 भी मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा बात है फॉर्च्यून 3 की। तो मैं सबसे पहले ना ऐसा करता हूँ भाई, डायमंड्स के बाद आर्मर नहीं पहनूंगा, आयरन्स के ही आर्मर पहन लेते हैं, क्योंकि अगर मान लो मैं अगर फिर से लावा वगैरह में गिर गया, मेरे पास कुछ ऐसा पोशन वगैरह नहीं है फायर प्रोटेक्शन का, तो फिर दिक्कत हो जानी है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ भाई, एक बारी के लिए जल्दी से ना आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। एंड आयरन का आर्मर तो इधर पर नहीं है, आयरन का आर्मर के लिए मेरे को जाना पड़ेगा अपने आयरन वाले फार्म में आयरन्स लेने के लिए। तो बेसिकली आज चलते हैं, मैंने खाना पीना सब रख लिया है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बो मैंने रखा हुआ है, लैडर्स है, टॉर्च बहुत सारे, स्कैप होल्डिंग है, कुक्ड बॉक्स सब बहुत ज़्यादा एक स्टैक, एंड ये सारे पिकैक्स वगैरह, ये मैंने एक वाटर बकेट भी रख लिया, ठीक है। इसमें से आज हम चलते हैं, अभी सबसे पहले हम आयरन वाले फार्म से ले आते हैं थोड़े से आयरन, एंड इसके बाद फिर से चलेंगे हम डायमंड्स माइनिंग के लिए। एंड भाई आज पिछले वाले माइन में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि सबसे पहले मैं तो ये बना लूँ थोड़े से। तो हो गया भाई सारा चीज़, बस मेरे को एक बेड लेना है जो कि मैं वहाँ से ले लूँगा, वहाँ पे बहुत सारे बेड हैं। एंड रात भी होने वाली है तो मैं जल्दी से सो भी जाता हूँ। एंड भाई कुछ अजीब सा ही रात है, पता नहीं कैसा सा रात हो रहा है अभी, मेरे को ये वर्जन भाई ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बट इसमें ना मैं जब स्टार्ट करा तो भाई अचानक से बारिश होने लगी, तो ये तो सही चीज़ थी, बट ये थोड़े ग्राफिक्स मेरे को अच्छे नहीं लगे इसके, पता नहीं अभी देखो रात भी नहीं हुआ है एंड भाई पूरा एकदम रात हो चुका है। तो देखेंगे भाई, अगर नहीं अच्छा लगा ये तो मैं दूसरा वाला फिर से ट्राई करूँगा कोई नया सा। अभी जब तक रात नहीं हुई है तब तक चलते हैं उधर पे, कहीं पे माइनिंग करेंगे आज नए जगह, देखेंगे कहाँ में मिलता है कि नहीं कुछ भी। तो मैं तो ट्राई करूँगा इधर पे, ठीक है।
इधर पे सबसे पहले हम पुराना टेक्निक जो पुराना ही मैथ्स हम लगाएंगे जो हम पहले भी लगाते हैं। अभी तो रात हो गई, अभी जल्दी से सो जाते हैं, अभी सो सकते हैं ना। हाँ ठीक है, सो गए हम। एंड भाई 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 ओके सो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई एंड अभी हम ट्राई करते हैं यहाँ से माइनिंग करने की, यहाँ से या कुछ आगे चला जाए। भाई आगे चलते हैं थोड़ी सी और, मे भी अगर डायमंड्स मिले भाई तो बहुत अच्छी बात है, डायमंड्स हमें चाहिए बस। ओके तो इस वाले वर्ल्ड को मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रखा है। ओके इधर पे लावा वगैरह है, तो ऐसा करते हैं ना भाई, मेरे पे लीड लीड तो नहीं है, घोड़े को अभी इधर ही पे रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चलते हैं भाई नीचे तक, ठीक है। एंड पीछे से लैडर्स भी लगाता चलूंगा मैं। एंड बट 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 भाई सबसे पहले एक एक काम मैं कर लूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टाइप का बना लेता हूँ ताकि पता चले कि यहाँ पे कुछ ऐसा सा था, ऐसा नहीं कि पता चले बाद में कहाँ चला गया मेरा मतलब माइन, फिर दिक्कत हो जानी है। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और ऊपर इसको बना लेता हूँ भाई। ओके एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टॉर्च, थोड़ा सा डैमेज लेना पड़ेगा बट कोई नहीं। यहाँ पे मैं टॉर्च लगा देता हूँ सारे पे ताकि पता चले कि यहाँ पे मैंने कभी माइनिंग भी करी हुई है। ओके तो मैंने बहुत सारा टॉर्च तो लगा दिया एंड भाई क्या ही कितना बड़ा पहाड़ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं जल्दी से, एस्केप होल्डिंग मेरे पे बहुत सारा, एस्केप होल्डिंग तोड़ लेते हैं क्योंकि बाद में काम आने वाला है। एंड मैं इधर पे लैडर्स भी लगाते चलता हूँ, ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं। एंड अभी हम किस पे हैं वो भी चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ओके सो हम हैं अभी Y67 पे, नहीं हमें जाना पड़ेगा Y11 पे। एंड ठीक है चलते हैं हम जल्दी से पहले। Later. ओके 13 पे है, दो और नीचे जाना है। ओके यहाँ पे रेडस्टोन हमें मिला है। ओके 12 एंड ये भाई 11, आते ही भाई हमें रेडस्टोन मिला बहुत सारा। एंड भाई 1.17 की ये मेरी पहली माइनिंग है, इसको अभी जल्दी से मैं लगा देता हूँ बहुत सारा। ओके तो भाई मैंने इतना तो लगा दिया एंड अब नहीं लगने वाली इसमें, यानी कि ये पूरी पहुँच चुकी है ऊपर तक। एंड इसको मैं थोड़ा सा चौड़ा कर लेता हूँ। एंड ना मेरे पे अभी मेंडिंग नहीं है इस वाले पिकेक्स में, इसीलिए मैं थोड़े से आयरन वाले पिकेक्स से ट्राई करता हूँ तोड़ने की। ओके फिर से मेरे को रेडस्टोन मिली। एंड भाई 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 यहाँ पे रेडस्टोन की तो बिल्कुल कमी नहीं है, वैसे मेरे पे भी बहुत सारा रेडस्टोन है। एंड भाई इन लोग इनका टेक्सचर भी बदल दिया है 1.17 में, पहले तो थोड़ा सा अलग रहा करता था। इसको तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा हॉल बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ओ भाई कितनी सारी रेड स्टोन है यार, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही रेड स्टोन है। वैसे भी रेड स्टोन का हमें बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि यार इन फ्यूचर भाई रेड स्टोन का बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है, और कुछ कुछ बना दे रहते हैं हम तो उसमें भी बहुत सारा काम आने वाला है। तो इसको अभी इसी से यार ऐसे करते हैं, जल्दी जल्दी तोड़ लेते हैं इसको, हॉल टाइप बना लेते हैं। यार मेरे को इसमें भी मेंडिंग लगा लेनी चाहिए थी, जैसे कि मैंने मतलब इसमें सवल में तो लगा रखा है बट इसमें मैंने नहीं लगाया है, तो मैं ट्राई करूंगा इसमें भी मेंडिंग। वैसे वो देता नहीं रहता यार लाइब्रेरियन, वो बहुत बहुत टाइम लगाता है मेंडिंग देने में, तो एक एक से तो मैंने ले रखा है मेंडिंग। एंड यहाँ पे क्या है ये क्या है? ओके ये तो मेरे को कुछ अलग सा ही चीज मिला, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैंने एक और गलती करी, ये मे बी कॉपर वगैरह कुछ तो है कि यहाँ पे कुछ नया 1.17 में। एक चीज करते हैं हम जल्दी से ऊपर चलते हैं। एंड भाई हम जल्दी से अपने लिए मतलब थोड़े से लकड़ी तोड़ के लाते हैं क्योंकि उसका मेरे को बहुत जरूरी है, बिना उसके बहुत दिक्कत। ओके ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? टॉर्च लगा लो वरना कब कौन आ जाए किसी का आता पता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से मैं टॉर्च लगा दिया हूँ। एंड भाई सबसे पहले ना इसको थोड़े से इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड एट लास्ट हम यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे ये लगा देते हैं क्राफ्टिंग टेबल। एंड यहाँ पे मैं थोड़े से यहाँ पे चेस्ट बना लेता हूँ, चेस्ट के लिए मेरे को कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा, एक दो चेस्ट पूरा लार्ज वाला चेस्ट बना लेते हैं। ओके लार्ज चेस्ट हो गया। एंड यहाँ पे लगा देते हैं लार्ज चेस्ट। एंड इसमें क्या डालते हैं अभी, ये सब डाल देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, डर्ट वगैरह का कोई काम नहीं है तो ये डाल देते हैं। एंड अभी ना यहाँ पे रेडस्टोन ये वाला भी डाल देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, आयरन इंगट का कोई काम नहीं है,
सो ओके एंड भाई अब ट्राई करके देखते हैं ये आखिरकार हमें मिला क्या है। ये क्या है, रॉ आयरन मिला है। डोंट नो भाई, आयरन तो ऐसे भी मिलता था, पता नहीं कि ये कैसा सा आयरन मिला, रॉ आयरन। आई डोंट नो ये कैसा आयरन है, देखते हैं। बाकी तो मतलब ये देख सकते हो यहाँ पे आयरन इंगट अलग चीज़ है, और ये रॉ आयरन पता नहीं क्या है। इसको एक बार ये स्मेल्ट करके देखते हैं, हो सकता है मे भी ये भी उसी में आयरन इंगट में चेंज हो जाए। तो यहाँ पे एक बार के लिए जल्दी से फर्नेस बना लेते हैं, एंड फर्नेस भी यहाँ पे लगा देते हैं, एंड यहाँ पे डाल देते हैं। मेरे पे 2-3 कोल्स एक्स्ट्रा तो मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, मैं अभी ये डाल देता हूँ रॉ आयरन, देखते हैं इससे क्या होता है। ओके चेंज तो हो रहा है, देखते हैं क्या होता है। ओके सो बेसिकली ये भी भाई रॉ आयरन ही है, बट वो रॉ मतलब हमें पहले और मिला करता था, एंड भाई अब रॉ आयरन का उसका नाम बस चेंज हो गया है मे बी, तो वही चीज़ मिल रहा है। इसको भी डाल देते हैं तब तक ये स्मेल्ट हो रहा है, तब तक आगे अपना थोड़ा सा माइनिंग कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सा क्लियर करके भाई यहाँ पे बेड वगैरह लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाए, एंड ये जितना भी कोल्स है ना वो रख लेते हैं, क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसा मतलब बनाने के लिए लाया नहीं हूँ भाई, कि इसके लिए मेरे को मतलब स्मेल्ट वगैरह करना हो तो कोल्स का बहुत जरूरी पड़ने वाला है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कोल भी यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा ही कोल है यहाँ पे, तो अभी जल्दी से एंड भाई टॉर्च बनाने में भी काम आएगा कोल का, तो यहाँ पे जितना भी कोल है उसको सारा को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके बहुत ज़्यादा ही कोल है यार यहाँ पे, तो कलेक्ट करते करते बहुत टाइम लगने वाला है, इस बारे पिकअप से करता हूँ मैं जल्दी से। ओके इतना ज़्यादा कोल है, ओके बहुत ज़्यादा कोल है, ओके इतना सारा कोल था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही कोल मिल गया है। एंड अभी के लिए ना इसको मैं जल्दी से ब्लॉक कर देता हूँ, इसका अभी मेरे को कोई काम नहीं, इसमें अगर ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एंड इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके सो ये क्लोज हो गया है, एंड मैं ना यहाँ पे थोड़े से बेड वगैरह लगा देता हूँ, बेड का यहाँ पे काम होने वाला है। ओके ये अजीब सा आवाज़ आ रहा है, पता नहीं क्या क्या ही आवाज़ है। यहाँ पे मैं अपने लिए ना बेड लगा लेता हूँ एक, यहाँ पे कैसे ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। ओके रात भी हो रही है तो मैं सो जाता हूँ, एंड भाई नेक्स्ट डे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कौन सा डे है, इसके बाद मैं माइनिंग करने के लिए चलूँगा आगे। यहाँ पे थोड़े से टॉर्चेज वगैरह भी लगा देते हैं यहाँ पे, ओके एंड इधर भी लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। इसको कंप्लीट कर देते हैं क्लोज हुआ, कम्प्लीटली इसको क्लोज ही कर देते हैं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ओके सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे रूम वगैरह सब कुछ बना लिया है, एंड अब हमें चलना है भाई माइनिंग करने। तो मैं तुम्हें एक बारी के लिए जल्दी से डे दिखा देता हूँ भाई। डे देख सकते हो यहाँ पे 403 हो रहा है, यहाँ पे नीचे लोकल डिफ़िकल्टी में दे सकते हो, डे यहाँ पे 403 हो रहा है। तो अभी चलते हैं भाई, एंड 403 से 423 तक, यानी कि 20 दिन आगे तक हम देखेंगे कितना हमें डायमंड मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने सारे फालतू सामान तो इसमें डाल दिए हैं, एंड भाई इधर से ये स्टार्ट करते हैं, इसका एक ये रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसे करके स्टार्ट करता हूँ, एंड आते ही भाई रेडस्टोन की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। रेडस्टोन अभी ये वाला रहन देते हैं क्योंकि हमें चाहिए मेन डायमंड्स, एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे टॉर्च लगाते चलते हैं। ओके आगे लावा पूल का आवाज़ आ रहा है, मैं ओके तो भाई मैंने यहाँ पे सब टाइटल्स अपना ऑन कर लिया, एंड यहाँ पे दिख रहा है कि लावा अगल बगल में कहीं तो बज रहा है, तो यहाँ भी देखते हैं। ओके लावा तो यहीं पे है भाई, आते ही लावा मिल गया, एंड मेरे को ना यहाँ पे रेडस्टोन हटा के ये रखना पड़ेगा क्योंकि इसको मेरे को थोड़ा सा ऑब्सीडियन वगैरह में चेंज करना पड़ेगा। ओके ये ऑब्सीडियन में चेंज हो गया, एंड भाई मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ये, एंड अगेन भाई थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है क्योंकि मेरे को इसको तोड़ना पड़ेगा, एंड हम ओके इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड ऑब्सीडियन तो तोड़ेंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं ना इसको थोड़ा देर मतलब ऐसे करके ब्लॉक कर देते हैं, एंड यहाँ पे देख लेते हैं एक बड़ी क्लिक क्या है। इधर पे भी लावा ही है भाई, इसको भी थोड़ा सा ब्लॉक कर देते हैं वरना कहीं गिर विर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके यहाँ पे मेरे को ये मिल रहा है रेड स्टोन, उठा लेते हैं, ये बर्बाद नहीं जानी चाहिए। ओके तो यहाँ पे भाई मेरे को थोड़ा सा लैपिस मिला है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, एंड भाई सारे के कलर्स चेंज हो गए, पता नहीं लैपिस के भी कलर्स चेंज हो गए थोड़े से, मतलब पहले डिज़ाइन वगैरह अलग थे 1.16 में, बट ये नया अपडेट आते ही
जैसे हमें आयरन ओर मिला करता था, नहीं बट यहाँ पे आयरन रॉ आयरन मिले जा रहा है मेरे को, मतलब दो तीन तभी से आयरन मिली है एंड यहाँ पे रॉ आयरन मिल रही है। शायद उसके नाम एंड कलर्स भी थोड़े से चेंज करे हैं एंड आगे पता नहीं क्या है यहाँ पे। दो दो मिनट में यार माइंड शाफ्ट, नहीं नहीं अंधेरा है ना तो पता जैसे लग रहा है यहाँ पे माइंड शाफ्ट वगैरह है। बट मेरे को अभी तक इस गेम में कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे मिल रही है, जैसे कि मेरे को आज जैसे बारिश हुई बट अभी तक मेरे को कोई माइंड शाफ्ट नहीं मिला। एंड यहाँ पे रेडस्टोन तो बहुत ही ज़्यादा है, मेरे को लग रहा है डायमंड्स मिले ना मिले यहाँ पे रेडस्टोन बहुत ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। एंड रेडस्टोन देख सकते हो मैं एक दो तोड़ रहा हूँ एंड कितने ज़्यादा ही मिल रहे हैं। तो एक तो मैं सोच रहा हूँ यार ऐसे मैं मेंडिंग नहीं लगा हुआ है तो अगर डायमंड्स मिलने से पहले ही टूट गया तो वो भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं आयरन के पिकैक्स से तोड़ रहा हूँ। बट अगर भाई अगर वो मेंडिंग दे देता है, मेरे पे बस एमरल्ड की कमी थी तो इसलिए मैंने मेंडिंग नहीं ली, मेरे को ले लेना चाहिए था, मैंने ये गलती करी है। एंड इसको भी जल्दी से तोड़ते हैं, इसी से तोड़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। अगर डायमंड पिकैक्स टूटेगा तो डायमंड तो फिर मिल ही रहा है ना, बट हाँ फॉर्चून 3 खो जाएगा फिर, उसके लिए मेरे को बहुत दिक्कत करना पड़ेगा। फॉर्चून 3 भाई लेना भी बहुत दिक्कत हो जाता है फिर से, तो वो एक दिक्कत है। इसको देखते हैं आगे तो मेरे को कुछ दिखा ओके नहीं है कुछ। भाई डायमंड्स तो मिलना बहुत मुश्किल है वो भी मेरे केस में, इसको बहुत The next day. पे देखते हैं। अभी मैं 11th पे हूँ ठीक है एंड इधर मेरे को टॉर्च लगाना है, इधर पे मैं टॉर्च लगाता हूँ। एंड अब चलते हैं भाई उल्टे साइड, उल्टे साइड पे एक रिवाइन भी है तो यहाँ पे मेरे को देख के जाना पड़ेगा। एंड मेरी पिकेक्स की हालत भाई अभी से ही टाइट हो गई, देखते हैं क्या होता है। मतलब day 20 तक ये टिक पाती है नहीं टिक पाती है, फिर मेरे को मतलब ट्राई करना पड़ेगा माइनिंग से, मतलब सॉरी आयरन वाले से फिर ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो मिलने से रहा। ओके इधर पे कहीं तो वाटर है मेरे को दिख रहा है अभी से ही, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा। ओके सो अभी डायमंड वाले से छोड़ते हैं यार क्योंकि बाद में अगर दिक्कत हो गया तो फिर। इधर तो कहीं तो ओ भाई इधर पे तो दो दो तीन तीन क्रीपर है यार, वो यही शायद एमेरल्ड है एंड इनको अभी हम मारने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। हेडशॉट देते हैं भाई। ओके पता नहीं लैग कर गया। ओके मर गए ये, इसको अब मारते हैं। आगे मेरे को डायमंड से या एमेरल से पता ही नहीं क्या है, वो पता ही नहीं चल पा रहा है वो डायमंड से या मतलब वो क्या है। तो अभी ट्राई करेंगे उधर पे जाने का ठीक है, अभी चलते हैं उधर देखते हैं क्या है क्या है क्या नहीं। अभी ये मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा वरना ये मेरे को दिक्कत दे सकता है। एंड इधर से मैं तोड़ देता हूँ हल्का सा, ऐसी जगह लावा है ना यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है। कि आगे गोल्ड भी है शायद, तो देखते हैं भाई क्या मिलेगा क्या नहीं। एंड मैं ना अभी सबसे पहले पानी डाल देता हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत होने वाली है। एंड यहाँ पे मैं थोड़े से टॉर्चेज लगा देता हूँ क्योंकि भाई आगे तो मेरे को लैपिस वगैरह दिख रहे हैं भाई, गोल्ड भी दिख रहे हैं वहाँ पे, गोल्ड है थोड़े से, पता नहीं गोल्ड है या क्या है सारे के। एक तो कलर चेंज कर दिया ना, पता ही नहीं चल रहा है कौन सा क्या है। ओके मैं सारे पे पानी डाल देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत रहेगा ही नहीं। ओके तो ये तो क्लोज हो गया, ये बस ऊपर से ना आ जाए भाई, ये दिक्कत है। मैं भी आ गया एमरेल्ड ही यार क्योंकि सिंगल में एमरेल्ड ही होते हैं। ओके इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। एंड भाई इधर पे मैं सबसे पहले टॉर्च लगा लेता हूँ थोड़े से क्योंकि बाद में मेरे को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का भाई। सारे पे मैं पानी डाल देता हूँ ना। ओके टॉर्च भी लगाते चलते हैं इधर पे, टॉर्च भी मैंने बहुत सारे लगा दिए। एंड इसको तोड़ते हैं अब, देखते हैं ये क्या है। मेरे को तो लग रहा है गोल्ड है मे भी भाई, एक तो सामान मेरी तुरंत ही भर जा रही है। ओके रॉ गोल्ड मिला है कुछ तो, अभी ना मेरे को थोड़े से ये सब सारे सामान वापस से जाके रखने पड़ेंगे ऊपर की तरफ, मेरा चेस्ट भर चुका है। एक मिनट मैं स्वॉर्ड निकाल लूँ अपनी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब आ।
डैमेज मैंने कितना मारेगा। हट यहाँ से, फालतू तंग कर रहे हैं यार ये, अचानक से पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? अभी यहाँ पे मेरे को पता नहीं गोल्ड, ओके रॉ गोल्ड थी भाई वो, एंड अभी यहाँ पे मेरे को दोबारा से भाई कितना लावा है यार, लावा डालते डालते परेशान, पानी डालते डालते हम परेशान हो जाएंगे यहाँ तो। ओके फिर से डालते हैं वो, भाई एमरेल्ड ही है यहीं से पता लग गया, एंड एक एमरेल्ड के लिए मेरे को इतना मेहनत करना पड़ा, कोई नहीं डायमंड भी मिल जाएगा भाई अगर किस्मत अच्छा रहा हमारा तो। आज देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट यहाँ पे मैं सबसे पहले टॉर्च लगा लूँ, बहुत सारा टॉर्च मेरे पे अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, एंड मेरे को एक एमरेल्ड के लिए मतलब समझ रहे हो, एक एमरेल्ड के लिए मेरे को इतना ऊपर से आना पड़ा। एक एमरेल्ड मिला भाई, बस एक एमरेल्ड और कुछ नहीं मिली है। तो ओके भाई फाइनली मैं मतलब बहुत देर के बाद यहाँ पे मैंने कुछ चेंजिंग्स करी है, जैसे कि मैंने यहाँ स्पीकैक्स पे भाई मेंडिंग भी लगा ली, एंड मैं जो मेरे को जो एमरेल्ड मिला था फिर प्लस मैंने बहुत देर पहले ये देख सकते हो एमरेल्ड, तो मैंने सोचा भाई मेंडिंग वगैरह मैं लगा लूँ, तो मैं ऊपर गया एंड जो पेपर्स मतलब शुगर कैन थोड़ा सा मैंने छोटा सा फार्म बनाया है उससे मतलब थोड़े से मैंने उससे जो क्या कहते हैं उससे लैक्टन से मैंने थोड़े से मतलब उससे ट्रेडिंग करी, एंड देन वो थोड़ी देर के बाद मेरे को मतलब मेंडिंग के लिए इनफ मेरे पे एमरेल्ड आ चुका था, तो भाई मैंने उससे एक मेंडिंग भी बाय कर ली, एंड सिल्क टच मतलब इस वाले पे मैं सिल्क टच कह रहा हूँ इस पे मैंने इसका नामकरण भी कर दिया भाई, नेक्स्ट लेवल एकदम बन चुका है, तो इस पे मैंने मेंडिंग भी लगा चुका हूँ, एंड जो मैंने ऊपर से थोड़ी देर पहले ये लकड़ी लाई थी तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे ब्रिज प्लैंक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड भाई यहाँ पे मैं थोड़े से स्टिक भी बना लेता हूँ ताकि फिर से यहाँ पे बहुत सारे स्टिक्स बना लेते हैं, एंड बहुत सारे कुछ 3-4 स्टैक स्टिक हो गए, तो अभी क्या करते हैं ना अभी इसमें 1-2 स्टैक डाल देते हैं, बाकी के इसमें से एक स्टैक कोल निकाल लेते हैं, एंड बना लेते हैं टॉर्च, बहुत ज़्यादा ही टॉर्च हो गया भाई, 3-4 स्टैक टॉर्च हो चुका है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही, अब हमारे पास सब कुछ है, मेंडिंग वगैरह सब मैंने लगा लिया है, तो अभी भाई बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलते हैं सीधे आगे, एंड आगे की भाई जो भी है आगे देखते हैं मिलता है या नहीं हमें डायमंड, डायमंड आज तो भाई लेके ही रहेंगे चाहे जैसे मिले, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे टॉर्च लगा लेता हूँ सबसे पहले, एंड भाई चलते हैं अभी 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 पिकैक्स टूटने का भी कोई डर नहीं है क्योंकि अभी आ चुकी है हमारे पास मेंडिंग, एंड दिक्कत नहीं है भाई, जैसे जैसे हमारी एक्सपी गेन होती रहेगी वैसे वैसे इस पर मतलब जो इसकी एक्सपी है ना पिकैक्स की वो भी गेन होती रहेगी हमारे साथ साथ। तो ओके भाई मैं तो मतलब यहाँ पे कर रहा था ये माइनिंग, एंड भाई यहाँ पे ये देख सकते हो मेरे को क्या मिल गया है, मेरे को यहाँ पे पुराना वाला माइनिंग वाला एरिया मिल चुका है, एंड भाई मेरे को इधर नहीं करना है फिर से, मतलब अभी तक मेरे को एक भी डायमंड्स नहीं मिला है, सो इधर पे मैं दोबारा नहीं आना चाहता हूँ भाई, पता नहीं मैं किधर से भी जा रहा हूँ वहीं पे लास्ट मैं वहीं चला जा रहा हूँ, तो भाई अब इस वाले में भी हम नहीं करेंगे, अब उसी वाले में चलते हैं मतलब एक नया सा फिर से बनाते हैं, एंड देखते हैं भाई क्या मिलता, मतलब मैं किधर से भी जा रहा हूँ उधर से भी गया मैं तो आगे जाके पता नहीं घूम के मैं उधर ही चला आया, क्या ही हो रहा है मेरे साथ पता नहीं, तो अभी चलते हैं इधर से, एंड भाई वापस उस वाले मतलब उस वाले में जाएंगे, एंड मैं ट्राई करूँगा इस साइड पर अब जाने का, ठीक है, क्योंकि नीचे में पता नहीं चल पा रहा है हम किस साइड माइनिंग कर रहे हैं, एंड मेरे पास कोई ऐसा कंपास भी नहीं है, यहाँ पे एंडरमैन पता नहीं है ग्रेवल लेके क्या कर रहा है, इसको रहने देते हैं, ये कुछ नहीं करता यार एंडरमैन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसको जब तक देखो नहीं आँख में वो कुछ नहीं करेगा तुमको, एंड भाई इधर पे तो कुछ मिलने से रहा, अब हम ट्राई करते हैं कुछ इधर साइड पे, देखते हैं इधर पे कुछ मिलता नहीं मिलता, इधर से भी पता नहीं मैं उधर ही ना चला जाऊँ वो दिक्कत लग रहा है मेरे को। ओके मैं यहाँ पे नीचे कैसे गिर गया, एंड इधर मेरे को फिर से लावा की आवाज़ें आ रही है भाई, देखते हैं क्या होता है इधर, एंड भाई 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 फाइनली मेरे को मतलब यहाँ पे मैं इस वाले में मतलब डायमंड मेरे को मिला है, मैं एक गलती कर रहा था कि मैं 9 या 10 पे मैं जाके डायमंड माइनिंग कर रहा था, मेरे को पता ही नहीं था कि मैं 11 पे नहीं हूँ, एंड यहाँ पे मेरे को पता नहीं कितना डायमंड्स मिला है, देखते हैं अब यहाँ पे पूरा ग्रेवल्स भरा पड़ा है, तो चले भाई मेरे को ओके मेरे को भाई माइनक्राफ्ट की भी आवाज़ आई है इधर से कहीं, तो देखते हैं अभी यहाँ पे कोई माइनक्राफ्ट वगैरह है या नहीं, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं, एंड एक बारी मैं तुमको दिखा दूंगा कि भाई
इतने सारे मतलब डायमंड्स तोड़ने के बाद क्या मिलते हैं। ओके यहाँ पे तीन तो मेरे को ब्लॉक्स मिले हैं, तीन ही है भाई। मैं भी इसको मैं पूरे एरिया को क्लियर कर लेता हूँ, देखते हैं कितने हैं। ओके एक दो तीन एंड एक आगे है, मैं भी तो चार ही है शायद। हाँ चार ही है, चार है या तीन है मेरे को पता भी नहीं चल रहा। ओके एक ये रहा, एक ये रहा एंड भाई तीन है, ठीक है। मेरे को दोबारा से यार चेस्ट वेस्ट बनानी पड़ रही है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली है। मैंने एक काम और गलत कर दी थी, जो मैंने सारे प्लैंक्स को ना मैंने स्टिक में कन्वर्ट कर दिया, मेरे को चेस्ट बना लेना चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ही क्लियर कर लेता हूँ यार। यहाँ पे तो एक तो इतना ज़्यादा सामान है ना, वो दिमाग ख़राब हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं इसको हटाऊँ थोड़ा सा, फर्स्ट तोड़ते हैं। ओके एक मिला, ओके देखो चार मिल गया भाई, चार मिल गया एंड अगेन पाँच मिला भाई। तीन से मतलब मैंने तीन ब्लॉक्स तोड़े एंड मेरे को पाँच मिला, तो ये एक फ़ायदा था। तो अभी तो मेरे को मतलब पाँच डायमंड्स मिले, यानी कि कम से कम दो एक्स्ट्रा तो मिला भाई, दो तो उतना मेहनत तक कम हुआ, बट देखते हैं। एक स्टैक भी मिलता है, एक स्टैक यानी कि 64 डायमंड्स एटलीस्ट हमारा गोल है, देखते हैं कितना मिलता है। आगे माइन करते हैं आगे, मेरे को इधर एक माइन शाफ्ट की आवाज़। ओके सो भाई मतलब फिर से मेरे को डायमंड्स मिल चुका है एंड इस बार देखते हैं ये फाइव कितना में भरता है। सो यहाँ पे तो एक ब्लॉक दो ब्लॉक, दो ब्लॉक्स ही हैं, मे भी इससे ज़्यादा नहीं है। इसको मैं तोड़ लेता हूँ थोड़ा सा। ओके तीन ब्लॉक्स है भाई, तीन ब्लॉक्स है, ठीक है। तीन ब्लॉक्स तो डायमंड्स है, चार ब्लॉक है, कितना है भाई पता भी नहीं चल रहा है। इसको मैं तोड़ लेता हूँ। ओके चार ब्लॉक्स हैं एंड अब देखते हैं भाई कितना मिलता है। एक और ऊपर भी इसको तोड़ ले, ओ पाँच ब्लॉक्स। ओके यहाँ पे मेरे को छः मिल गया, बहुत ज़्यादा है भाई ये तो, बहुत ज़्यादा है ये तो, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ओके थोड़ा सा और ऊपर तोड़ते, नहीं ऊपर अब नहीं होगा एंड यहाँ पे मेरे को टॉर्च भी लगाना पड़ेगा। ओके मैं थोड़ा सा टॉर्च लगा लेता हूँ एंड भाई अभी देख सकते हो मेरे पे सिक्स है। सो ओके मैंने ये थोड़ा सात हुआ, ग्यारह भाई, आठ नहीं दस ग्यारह, एक से भाई चार डायमंड्स मिले हैं, मतलब समझते हो ग्यारह तीन भाई पंद्रह। ओके उन्नीस हो गया एंड ये तोड़ते हैं, ये भी तोड़ते हैं। अब देखते कितने हुआ भाई, 27 डायमंड्स मेरे को अभी मिल चुके हैं यार। ये फॉर्चून 3 भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है यार। मैं आगे भी माइनिंग करूँगा ना तो फॉर्चून 3 लेके ही करूँगा, बहुत फ़ायदा है भाई फॉर्चून 3 में। मतलब देखो डबल ट्रिपल के गए, मेरे पे 27 डायमंड्स थी जो कि मैंने भाई चेस्ट में जाके रखा है एंड थोड़े से मैंने चेस्ट भी बना ली है। एंड भाई जैसे ही मैं बात करूँ भाई, ये क्या ही लक्की डे है भाई मेरे लिए। ये देखो यहाँ पे भी मैं जस्ट अभी यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले डायमंड माइनिंग कर रहा था एंड भाई मैं मतलब डायमंड्स वगैरह रख गया है एंड भाई यहाँ पे देख सकते हो मेरे को दोबारा से डायमंड्स मिला है भाई, बहुत ज़्यादा। एंड कोई एक दो नहीं, एक दो तीन चार तो अभी मिले हैं, ये देख सकते हो थोड़े से और है। मैं थोड़ा सा इसको, मैं जहाँ भी डायमंड्स मिल रहा है ना मैं थोड़े से ऊपर नीचे ये कर ले रहा हूँ ताकि पता चले। एंड 27 डायमंड्स तो अभी मैं रख के आया, वो भाई कितना सारा है, कितना सारा भाई, एक स्टैक से ज़्यादा ही आज मिलने वाला है। ओके सो यहाँ पे मेरे को दोबारा से टॉर्च एक लगा लेते हैं, मैं 27 था तभी। एंड एक बारी के लिए ना मैं इनको यहाँ रखता हूँ भाई डायमंड्स को यहाँ पे, ताकि पता चले। अभी दो तो रहा मैं एंड चार मिले हैं, अभी देखते हैं। ओके यहाँ पे मतलब चार तो रहा तो भाई मेरे को छः मिले, दो एक्स्ट्रा मिले, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ पे भाई लैपिस है, लैपिस भी तोड़ लेते हैं भाई, लैपिस ऐसा कोई है नहीं। अभी देख सकते हो मैंने छः लैपिस लगभग तोड़े एंड दो स्टैक मेरे पे लैपिस आ चुके हैं, जबकि मेरे पे इससे थोड़ी देर पहले बिल्कुल लैपिस नहीं थे अभी। एंड भाई मेरे पे दो स्टैक लैपिस है, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा मिल रहा है फॉर्चून 3 से। एंड साथ में भाई मेंडिंग लगा है, बेस्ट भाई बेस्ट। तो अभी आगे का मैं माइनिंग करता हूँ एंड अभी मेरे पे 27 और 6 भाई, मेरे पे लगभग 33 डायमंड्स तो आराम से हो चुके हैं। एक स्टैक में बस आधे ही कमी है, तो आधे से भी कम है। एंड देखते हैं आगे डायमंड्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वैसे भाई आगे भी मैं इसी वाली माइन में माइनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ही इसमें सामान मेरे को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे रेडस्टोन भाई, रेडस्टोन तो बिल्कुल नॉर्मल है, बट एक चीज़ इसमें मेरे को अभी तक नहीं मिली जो कि है भाई गोल्ड। गोल्ड मतलब समझ रहे हो, गोल्ड बस वहाँ पे थोड़ी सी मिली थी, इस वाले मतलब ये अभी जो मैं माइन कर रहा हूँ इसमें बिल्कुल ही गोल्ड्स नहीं मिल रही है। तो देखते हैं अभी आगे क्या क्या मिलता है, गोल्ड्स में भी हो सके तो मिल जाए गोल्ड्स, मतलब समझ रहे हो डायमंड से ज़्यादा रेयर गोल्ड हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है, ओके यहाँ पे मैं दोबारा से टॉर्च लगा देता हूँ। एंड अभी भाई मेरे को नहीं लग रहा है डे 20 तक हम माइनिंग कर पाएंगे, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ही वो लंबा खिंच जाएगा।
ओके यहाँ पे रेवाइन आ गया दोबारा से भाई रेवाइन। 6 hours later ओके भाई मेरे को फिर से यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था एंड मेरे को दोबारा से यहाँ पे डायमंड मिल चुका है एंड ये देख सकते हो। ओके यहाँ पे लावा पूल भी है। ओके भाई तो यहाँ पे मतलब डायमंड्स तो मिल चुके हैं मेरे को बहुत ही ज़्यादा। सो ओके भाई यहाँ पे फाइनली मेरे को मतलब यहाँ पे एक लावा पूल है एंड फिर से मेरे को डायमंड्स मिल चुके हैं। ओके यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 एक पांच भाई पांच ब्लॉक्स तो दिख रहे हैं मेरे को एंड आगे देखते हैं अभी कितना यार। पर सबसे पहले मेरे को इसको पानी पानी करना पड़ेगा। ओके ऑब्सीडियन में चेंज कर देते हैं भाई पता नहीं फिर से। ओके यहाँ पे मेरा टॉर्च भी टूट गया आगे भी तो नहीं है डायमंड्स। पहला बार मतलब मेरे को ऐसा लावा के बगल में कुछ ऐसा डायमंड्स मिला वरना तो हर बार मतलब माइनिंग करके ही मिलता है। एंड इसको देखते हैं थोड़ा सा आसपास में कितना है डायमंड्स। ओके मेरे को नहीं लग रहा अब ढोंगे डायमंड्स नीचे हो सकते हैं भले ही बट ऊपर ये अभी मेरे पे 6 डायमंड्स हैं एंड देखते हैं अभी नए हो गए भाई 1 से 3 मिला। ओके अभी 13 हो गया। ओके एक नीचे भी है एंड अभी 15 मिला। अभी अभी कितना है अभी 17 भाई मतलब देख सकते हो 4 या 5 ब्लॉक्स मिले मेरे को एंड डबल अप हो गया डबल से भी ज़्यादा भाई। कभी 3-3 भी मिल रहा है कभी कभी 4-4 भी मिल रहा है तो लगभग 27 था एंड 17 है एंड भाई तो तुम सब समझ सकते हो कितना ज़्यादा अभी मेरे पे है लगभग 20 एंड 30 एंड यहाँ पे भाई मेरे को लगभग 44 के आसपास डायमंड तो हो चुके हैं मे बी। 2000 years later ओके भाई तो यहाँ पे देख सकते हो भाई अब मेरे को डायमंड्स मतलब तुरंत तुरंत ही मिल रहे हैं एंड यहाँ पे कोल है बहुत सारे एंड यहाँ पे डायमंड्स 1-2 ही ब्लॉक है मे बी 2 ब्लॉक हैं उससे ज़्यादा है नहीं 2 ही ब्लॉक हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से टॉर्च लगा लेता हूँ यार नहीं 3 हैं 4 हैं। ओके के भाई 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 कितना ज़्यादा डायमंड्स है। ओके अब नहीं है शायद कोल भी हटा लेते हैं ना क्या दिक्कत है। कोल तो भाई 10 गुना मिल रहा है 1 से 10 10 12 12 ऐसे ऐसे मिल रहा है अभी देखते हैं इससे कितना मिलता है 20 हो गया 22 हो गया एंड 27 हो गया भाई ओके ये क्या है भाई ये कैसी अजीब सी टूटी। ओके ये डियोरेट ओके नहीं 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 यार ये डियोरेट नहीं है ये टफ मेरे को पता नहीं कैसा सही अजीब सा मटेरियल मिला है एंड अगेन मेरे को कुछ कुछ अजीब चीज़ मिल रही है यार एक मिनट मैं सारा चेस्ट तो मैंने बना ही नहीं। ओके मैं इधर पे थोड़ा सा गड्ढा करके कहीं पे डाल देता हूँ बाकी सामान को सामान कलेक्ट करते हैं यार ये तो कुछ अजीब ही चीज़ मेरे को मिल रही है नेदर में तो नहीं आ गए हम क्योंकि ये ऐसी ऐसी मटेरियल तो भाई नेदर में ही मिलती है। ओके यहाँ पे क्या मिल रहा है अरे ये तो रॉ आयरन है भाई। ओके ये टफ भाई कौन सी चीज़ है मेरे को बिल्कुल नहीं पता है 2-2 3-3 टॉर्च टफ भाई कौन सा ये पहली बार मैंने देखा इसके दिख रहे हो ये नेदरराइट जैसे नेदरराइट नहीं होती उसकी आवाज़ जैसे आ रही है ये तो एंड यहाँ पे भाई ये क्या है ये क्या क्या मिल रही है मेरे को समझ में नहीं आया गलत जगह तो नहीं आ गए ये कुछ नया ही मिल रहा है भाई इधर पे मेरे को फिर से सामान अरे नहीं टफ मैंने क्यों हटा दी कोबल स्टोन मैं हटा देता हूँ। अभी मेरे को क्या मिली अब मेरे को कोबल्ट डीप स्लेट मिली है एंड पता नहीं क्या है कोबल्ट डीप स्लेट भाई इसके तो वैसे डिजाइन अच्छा लग रहा है कोबल्ट डीप स्लेट ये रख लेते हैं भाई ये मस्त लगेगी दिखने में ये मैं आके बाद में ले जाऊंगा वैसे मैं 1-2 रख लेता हूँ एक्स्ट्रा कुछ ये पता नहीं नेदर जैसी चीज़ें मिले जा रही है मेरे को एंड भाई अब नहीं मैं करने वाला माइनिंग यार मैं बहुत देर से माइनिंग कर रहा हूँ आई नो यार ये मैंने बोला था 20 तक मैं करूँगा बट भाई 20 तक करने के लिए मतलब समझ रहे हो बहुत टाइम लगने वाला है। ये क्या ये कुछ अलग ही जगह में आ गया है यार एक बारी के लिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ये कुछ मैं अलग ही जगह आ चुका हूँ ये देखो ये पूरा अलग मतलब ये टफ एंड ये ओके भाई भाई मेरे को माइनक्राफ्ट मिल गई फाइनली ये भाई 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 ओके भाई एट द एंड ऑफ द डे मतलब वीडियो के लास्ट आते आते भाई मेरे को माइनक्राफ्ट मिल चुके हैं एंड देखते ओके ग्लो बेरीज भाई 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 मैं सबसे पहले ना ऐसा करता हूँ यहाँ पर मैं दोबारा से एक बारी ये लगा लूँ थोड़ी सी मैं एक बारी ना सारा सामान खाली करके आता भाई उसके बाद मैं तुमको एक बारी दिखाता यहाँ पे एंड यहाँ पे मेरे को ये कॉपर वगैरह भी मिल रही। ओके मैं सबसे पहले यार सामान थोड़ा खाली करके आता हूँ अपने लिए
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. भाई यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सबको ब्लॉक बना के कन्वर्ट करके यहाँ पे लगा दिया है। इतने सारे यहाँ पे लैपिस और भी बहुत है, देख सकते हो 31 ब्लॉक्स है मेरे पे लैपिस के, रेडस्टोन ब्लॉक्स के, प्लस मेरे पे कॉपर भी थे तो मैंने उसके भी ब्लॉक्स बना दिए। इसको मतलब मैं दिखाने के लिए बस लगा रहा हूँ, बाद में मैं ले जाऊंगा यहाँ से। भाई तीन तीन चार चार ब्लॉक है ये, देख सकते हो भाई कितने डायमंड चाहिए। ये लो डायमंड्स, किसको किसको चाहिए सबको मिलेगा भाई फ्री में। वैसे मैं अभी रख लेता हूँ, मेरा सारा खो जाएगा, तो जिसको भी चाहिए भाई बोल देना, मैं दे दूंगा। लाइक कर देना बस। एंड अभी देख सकते हो चेस्ट ये मतलब ये खुल भी नहीं रहा, मैंने पूरे भर दिए हैं। इसको मैं एक बार तोड़ के दिखा देता हूँ, इसमें वैसे कुछ होगा नहीं इस चेस्ट में, बट फिर भी मैं एक बारी के लिए तोड़ लेता हूँ। एंड इसमें कुछ है नहीं, नहीं है भाई इसमें कुछ नहीं होगा। ये देख सकते हो यहाँ पे अभी कितना गोल्ड स्मेल्ट होने के लिए मैंने डाला। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे मतलब हम बहुत अमीर हो चुके हैं। एंड भाई अब हम गाँव वाले को बोल सकते हैं भाई, मेरे को पता नहीं ग्लो बेरीज मिले, देख सकते हो ये हाथ में इसके इसके अभी मैं उठा लेता हूँ थोड़ा सा। ओके ये देख सकते हो ब्लूबेरीज है, ये पता नहीं एमरल्ड मिला है, ये डायमंड्स, ये भाई ब्लॉक कुक बॉक्स शॉप, फिर से ये नेक्स्ट लेवल भाई। इसके मदद से तो हमने क्या सब फेंक रहे हैं, नहीं यार ऐसा नहीं है, सब कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके। ओके तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में, किसी नेक्स्ट बढ़िया से एपिसोड के साथ। भाई इतने देर के लिए तुम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एट देन मतलब हमें जो जो चाहिए था भाई वर्ल्ड में, यानी कि आज शुरुआत में भाई बारिश भी हुई थोड़ी सी, इसके बाद जो मतलब वर्ल्ड में मेरे फर्स्ट बार हुआ, इसके बाद भाई कॉपर भाई मिला मेरे को पहली बार, फिर से डायमंड्स भाई इतने सारे डायमंड्स जिसके मैं ब्लॉक्स बना सका। मेरे को पिछले बार मिले 8 डायमंड मिले थे बस, मैं देख सकता हूँ जब मेरे हाथ में अभी जितना भाई उससे भी कम मिले थे। एंड अभी मेरे को एक ब्लॉक से 9 मिलते, समझ सकते हो एक स्टैक था मेरे पे अभी मैं जब गिन रहा था, तो एक स्टैक एंड प्लस 1 एक वहीं पे पड़ा हुआ, तो भाई एक स्टैक से ज़्यादा मेरे पे डायमंड्स है अभी तो भाई। एंड बहुत भी आगे माइनिंग करते रहेंगे, फिर से मेरे को आज एट लास्ट मतलब को माइनक्राफ्ट मिला भाई। एंड पता नहीं कुछ नए नए मटेरियल्स मिले जो कि मैं तोड़ने वाला हूँ। एंड भाई जो रास्ता है मैं तुमको एक बार दिखा देता हूँ, इसको तोड़ के हटा के देते हैं भाई। ये रास्ता इतना देर का मेरे को आते आते भाई एक दिन लग गए, समझ रहे हो, इतना बड़ा मैंने रास्ता बना रखा था, इतना ज़्यादा मैंने माइनिंग करी। तो भाई इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड bye.